हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो आज हम लेकर आए हैं रजत पवार की वीडियो, पाकिस्तानी एजेंट सीमा हैदर की असली सच्चाई। भगवान, जूम जूम असली सच्चाई सच्चाई सच्चाई। कर स्टार्ट। वन टू थ्री। आज नहीं चिन्हे को सरहद सीमा नहीं। बेचारा सोच रहा था कि पाकिस्तान से बीवी आ रही है, पर असल में ये निब्बी आ गई, इनसे मिली है। यह है सीमा हैदर, जो कि सांप सीढ़ी के लेडर जैसे दिखने वाले आदमी के लिए पाकिस्तान से इलीगली इंडिया घुस गई। और जैसे ही ये इंडिया में पधारी, तो हम लोगों ने बहुत जोर से इनके मुंह पे फेंक के मारा एक भोजपुरी सॉन्ग। स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। अर्ज किया है, पाकिस्तान की खाके सब्जी मस्त बनाती थी कीमा, पाकिस्तान की खाके सब्जी मस्त बनाती थी कीमा, फिर सचिन मिल गया इन पबजी, दुन 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 करके भाग गई सीमा। लोगों को प्यार में छतों के आर पार कूदते हुए तो देखा था, पर ये पगली बॉर्डर के पार कूद कर आ गई और कूदने के लिए प्लॉट बेच दिया पहले पति का। उसका प्लॉट भी गया, उसकी बीवी भी गई और बच्चे ले गई, वो अलग। वेल डन। हैदर को पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, अच्छी तरीके से पता था हैदर को। ए थांबा थांबा, उस बेचारे को क्या पता था कि तुम गेम खेलते खेलते उसकी जिंदगी से खेल जाओगी। बेचारा गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा था, इसने उसकी शादी तोड़वाई, इससे दूसरी शादी करी और फिर उसने सीमा हैदर के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ा, और यहाँ सीमा हैदर उसको और उसके देश को सबको छोड़ के आ गई। अभी आपने नेपाल में शादी रचा ली है क्या, एक बार और फिर से आप दोनों शादी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर नागरिकता मिल गई तो धूमधाम से करेंगे, पाकिस्तान भी देखेगा और भारत भी देखेगा। अरे इसकी शादी ना हो गई, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया जो सब देखेंगे। अरे बहन, जो पैसा तुमने प्लॉट बेच के हथियाया था वो तो पूरा इंडिया घुसने में उड़ा दिया, अब शादी करने के लिए उस आलू छिलनी के साथ कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। मेरी जिंदगी इनके लिए है। और धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। और ये दोनों खतरों के कबाड़ी जब फोन पे बात करते थे ना, तो बेचारे सचिन को तो ऐसा लगता था सीमा हैदर ये या एंजल प्रिया से बात हो रही, लड़का तो नहीं है भाई तू। तो ये बात करती थी व्हाट्सएप पे, ऑडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, तेरी आदमियों जैसी आवाज क्यों आ रही है? अरे सचिन भाई, आदमियों जैसी आवाज उसकी इसीलिए थी क्योंकि इस गदर का सनी देओल वही है, क्योंकि तुम तो गए नहीं उसको लेने, उस बेचारी को खुद ही आना पड़ा और साथ में ये चार बच्चे अलग ले आई है। और सोचने की बात ये है कि उसके प्यारे सचिन को भी उसकी आवाज नहीं पसंद, पर ये हमारे रिपोर्टर लोग उसको ढिंचक पूजा की बहन पंचर पौआ बनाने पे तुले हुए हैं। एक गाना सुना दीजिए ना प्लीज, एक गाना। मतलब ये सारे मिलके उससे ये नहीं जानना चाह रहे तुम इंडिया में कैसे घुसी इलीगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुसने की, उनको ये जानने की एक गाना सुना दीजिए आपकी आवाज में प्लीज, एक गाना। वही गाऊंगी, मुझे दिन पकड़ लेती हूं। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। ए थांबा थांबा, ये सचिन की तरफ देख के काला कावा क्यों बोल रही है? मतलब ठीक है उसने इसकी आवाज को खराब बोल दिया तो इसे काला कौआ बोलना ठीक नहीं है, ये रेसिस्ट पना यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। और एक तो इन लोगों की जो फेक कॉल रिकॉर्डिंग लीक होती है उसमें भी हमारे बेचारे सचिन को हर कुछ बोला जा रहा है। बाकी वो तो मुझे और तुम्हें पता है ना कि हम अपना काम करने आए हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, इस कड़वे से प्यार करूंगी सुखंडे से। यार ये कैसी सजा मिल रही है यार सचिन को प्यार करने की, कलुआ सुखंडा गधे का अंडा घंटा लंडा, क्या पता क्या क्या बोलना है बेचारे को, जो मन में आया बोल दिया। और वो फेक कॉल रिकॉर्डिंग वाले तो ठीक है, ये इंडिया के लोग भी पीछा नहीं छोड़ रहा बेचारे का। आज वो सचिन के लिए वहां से भाग के आई है, जो शक्ल से इतना चोर है आप देखेंगे। कोई बात नहीं सचिन भाई, अब समझ गया मैं तुम्हें दुल्हनिया पाकिस्तान से क्यों लानी पड़ी, इंडिया के लोग तुम्हारे हुसन के सेक्सी पने को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा इस आधी अधूरी दाढ़ी और उलझी हुई मुच्छी के पीछे जो कमसिन हसीना छुपी हुई है उसके स्मार्ट पने का राज। पर दे रहा है दुरुस्त है, दूसरे देश की पाकिस्तानी सीमा हैदर ने उसके हुसन के जलवे को पूरी तरीके से समझ लिया और दौड़ी चली आई। प्यार को पाने के बाद कैसी खुशी महसूस कर रहे? बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत चिंता भी है, जब खेल पूरे हम एक हो जाएंगे खुशी तो तब मनाएंगे, दुनिया देखेगी, भारत देखेगा, पाकिस्तान देखेगा। आखिर क्या दिखाना चाहती है भाई ये भारत और पाकिस्तान के लोगों को, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ, उत्सुक हो चुका हूँ मैं, क्या दिखाना चाहती है। वैसे जैसी इसने हरकत ही करी है, वैसी हरकत करने के बाद इंसान अपने आस पड़ोसियों को मुंह न दिखा पाया अपना। इससे जुदाई अलग होने का कारण ये था कि हम खुश नहीं थे साथ में, और वो बहुत गाली गलौज करने वाले इंसान थे,
और मैं उनके साथ बिल्कुल सेफ और खुश नहीं थी सर। पहले इसने प्रेम विवाह किया उससे, गुलाम हैदर से, उसकी पहली बीवी छुड़वा दी और फिर जब वहाँ मन भर गया तो वहाँ से भाग गई और फिर पबजी में पढ़ के इस कब्जी को पटा लिया वो अलग। दोस्तों सोचने की बात तो ये है कि ये गुलाम हैदर के साथ खुश नहीं थी तो पबजी की स्क्वाड मतलब 4 बच्चे लाई है। अगर ये उसके साथ खुश होती तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम लेकर आती। और गुलाम हैदर के साथ खुश नहीं थी प्रेम विवाह के बाद तो उसको छोड़ के इधर आ गई। अब सचिन के साथ अगर प्रेम विवाह के बाद खुश नहीं हुई तो ना जाने कौन से देश का वीजा लगेगा। और पाकिस्तान में गुलाम हैदर के साथ सेफ फील नहीं करती थी और यहाँ इसके साथ हमारा सचिन सेफ फील नहीं कर रहा है, मीडिया के सामने थप्पड़ लगा देती है बेचारे। सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगाया बल्कि मामला इससे और ज्यादा गहरा है। दरअसल जैसे ही सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगाया इसके जवाब में गुस्से में सचिन ने कहा कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। अरे रे रे रे, ये तो बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया बेचारे को, उसका गाल ही अंदर चला गया। अरे सॉरी, मुझे अभी पता चला उसका तो मुंह चूसे हुए आम जैसा है। पर दोस्तों एक चीज मैंने नोटिस की है कि सचिन के टच से बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है सीमा, जैसे दोपहर में उसने खाना नहीं जीमा। देख सकते हैं भाभी का इंटरव्यू हो गया, सचिन भाई अंदर लेकर जा रहे हैं। अच्छा जी, पहले तो बेचारे का हाथ कमर से हटा दिया, ऊपर से उसके पिछवाड़े पे चिपकाया वो अलग। तो मैं बता दूं अगर उसके पिछवाड़े पे ऐसे ही चिपकाती रही सीमा तो उसके पिछवाड़े का बन जाएगा कीमा और फिर सीमा का नहीं बन पाएगा बीमा। तो हाथ रखो उसके पिछवाड़े पे मगर धीमा। और सचिन के पड़ोसी भी आपके और मेरे पड़ोसियों की तरह है। हाँ, वैसे नॉर्मल दिनों में भले उसको कुत्ता ना पूछता हो कॉलोनी का, पर अब सबको भाभी से मिलना है, उसकी बीवी को भाभी बना लिया। भाभी 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 आई है हमारी। अरे भाभी आई है तो फिर घर तो जाओ। घर चले जाएंगे, यही है हमारा, घर भी हमारा ही है, ज्यादा दूर थोड़ी। भाभी अगर जासूस निकली उसे भी देशभक्त बना देंगे हम। अगर पाकिस्तान की साजिश हुई, कई सवाल उठ रहे हैं। साजिश हुई तो हो जाओ, सब काम मैनेज कर लेंगे हम। हाँ सब काम मैनेज हो जाए। पूरी आंखें खोलना मैनेज कर नहीं पा रहा है ये आदमी, और ये देश के इतने बड़े मुद्दे मैनेज करेगा। भाई तेरे घर में भी जब कोई बड़ा मुद्दा मैनेज होता है ना तो तेरे को घर से बाहर निकाल देते हैं और तुझे देश के मुद्दों में टांग अड़ाना है। और एक तरफ देश के ये युवा है जो इतने ज्यादा खुश है पाकिस्तानी महिला आने से, भाभी भाभी, और एक तरफ देश की महिलाएं हैं जिनमें बहुत आक्रोश आ गया है। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। हमारा सचिन इतना बोला था कि उसके ऊपर कोई कुत्ता नहीं बोलता था, बेड़ा गया ना तू गेरा, हर कोई हर कुछ बोल रहा है। यंटी को देख लो, लेंडू पिस्सू पप्पू ना जाने क्या क्या बोल दिया, झिंगुर विंगुर बेचारे को। अरे आंटी थाम्बा थाम्बा, ये सोच लो कि अगर सीमा हैदर सच में जासूस निकली, आतंकवादियों में उसकी दोस्ती यारी हुई, तो अपने सचिन के लिए जिसने उसका इतना साथ दिया एक आध गोली तो आप पर बर्बाद कर ही देगी, एक बार भी नहीं सोचेगी ना, नको बिल्कुल नहीं। सचिन क्या है सचिन में। पर सोचने की बात यह है दोस्तों कि सीमा हैदर सिर्फ 5th क्लास पास है और एक पाकिस्तानी, उसके बावजूद मस्त हिंदी बोलती है, मस्त इंग्लिश बोलती है, कंप्यूटर चलाना आता है, 5 पासपोर्ट है, 5 मोबाइल है, बहुत सारी सिम कार्ड है, और देश में मतलब देश की बॉर्डर क्रॉस करना छोटी बात नहीं होती है। पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से इंडिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, धड़ 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 घुस गई। और सबसे मेन बात, सीमा हैदर का सगा भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, जी हाँ, तो इसके कनेक्शन होने के तो बहुत चांसेस है। और अगर सीमा हैदर जासूस निकली और उसको अपने दोस्तों को कोई भी मैसेज कोडवर्ड से भेजना हुआ तो मीडिया जो दिन भर इंटरव्यू कर रही है, एक इंटरव्यू में अगर एक वर्ड का भी मैसेज जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो। तो मीडिया को तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों से ज़्यादा मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, मणिपुर में बहुत भयंकर अभी सीन चल रहा है। अभी एक वीडियो लीक हुई थी वहाँ से जो कि 2 महीने पुरानी है, मई समय की है, जो कि अभी अभी लीक हुई है, जहाँ पर 2 लड़कियों का पहले गैंग रेप किया गया, फिर उसके बाद 800 से 1000 लोगों ने समथिंग उन लोगों को निर्वस्त्र करके बिना कपड़ों के परेड निकाली। कितनी शर्मनाक बात है, शर्म आनी चाहिए। वो वीडियो देख के मुझे इतनी डिस्टर्बिंग लग रही थी कि मैं तो उसके बारे में बात करने में भी बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। मतलब मैं जब पहले सोच रहा था कि इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके बारे में स्क्रिप्ट लिखने में या पूरी प्रेजेंटेशन रेडी करने में मेरी क्या हालत हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ वो जो 24 सेकंड की वीडियो थी उसने मुझे हिला के रख दिया था। जिन लोगों ने देखी उनको पता होगा, बाकी मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो इसलिए भी नहीं बना सकता क्योंकि YouTube मेरी वीडियो टेक डाउन कर देगा, और बहुत से लोगों की कर भी चुका है। और सही बताऊं तो मेरे पास उसकी पूरी जानकारी भी नहीं है, तो आधी जानकारी देना सही नहीं होगा। और मेरे हिसाब से ये जो इश्यूज होते हैं ऐसे, वो न्यूज़ चैनलों का काम होता है इनको हाईलाइट करना, पर न्यूज़ चैनल को तो सीमा हैदर से ही फुर्सत नहीं है। उसके घर से कैमरा उठाएं तो कहीं और जाए उनका कैमरा। मतलब ये न्यूज़ वाले इतने ज़्यादा गिर गए कि इन लोगों ने ये तक दिखा दिया कि सीमा हैदर वॉशरूम से निकल के हाथ धो रही है या नहीं धो रही है।
मैं बता रहा हूँ इतनी जासूसी वो नहीं कर पाएगी अपनी देश की जितनी मीडिया वाले उसकी कर रहे हैं। भाई साहब दिन भर उसके छत पे ही टंगे रहते हैं क्या? वो बाथरूम से निकली, अच्छा हुआ उसने हाथ धो लिए, वरना एक और ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। सीमा हैदर ने हगा तो जरूर पर हाथ नहीं धोया, ये हगने के बाद हाथ क्यों नहीं धोती है? इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है दोस्तों, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कहीं सीमा हैदर हमारे देश को गंदा करने तो नहीं आई है क्यों दोस्तों? बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पर कमेंट में आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, सीमा हैदर इनोसेंट है या फिर जासूस है? मुझे तो ये जितनी खबरी चीजें मिली हैं मेरे को तो ऐसा लगता है वो जासूस है या नहीं है, पर उसको इंडिया में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब आप सोचिए कि अगर 1% चांस भी है कि वो जासूस है तो कितने सारे लोगों की जान पे खतरा है। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग इस पे क्या राय है, वीडियो को लाइक जरूर करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देखता हूँ इतने सारे लोगों ने नहीं किया, मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल फूट जाता है, प्लीज सब्सक्राइब करो, घंटी भी दबा देना मम्मी। सही बोल रहा है भाई कि अगर उसको एक भी मैसेज पहुंचाना हो तुम तो इतनी तरह पूरी तरह से मीडिया में चला रहे हो। बहुत बड़ी बात है कि पांचवी क्लास तक जो लड़की पढ़ी है उसको प्रॉपर हिंदी बोलने आती है, इंग्लिश बोलने आती है, और इतनी जल्दी कल्चर अपना भी लिया। टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। दूसरी चीज, उसने वाटर कैसे क्रॉस किया? मुंबई की जो घटना हुई थी ताज होटल पे जब वो हुआ था, उसमें जितनी भी चीजें हुई थी वो मीडिया ने जो लाइव कवरेज दिखाई थी ना उसके बाद ही वो चीजें आगे बढ़ी थी। तो थोड़ा संभल के थोड़ा रुक के करा करो भाई। और मणिपुर का वो सही बोल रहा है, मणिपुर में इतनी सारी चीजें हो रही है उसको कोई कुछ नहीं दिखा रहा। आज भी मैं देख रही थी लाइव चल रहा है भाई, सीमा हैदर के पास पहुंचे हैं उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, मीडिया चला गया। मतलब एक तरीके से जैसे बोलते नहीं है मीडिया ने तो मेरा लाभ तो अच्छा है कि सोशल मीडिया है तो उसकी वजह से जहाँ उसमें भी बहुत सारे लेकिन कुछ है जिनकी वजह से कम से कम खबरें तो आ जाती है, वरना फिर कौन कौन किस कोने में क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये लोग तो सीमा हैदर के पीछे पड़े हैं, पता नहीं कि क्या ही दिखाने में लगे हैं। खैर वीडियो तो सच में बहुत इंफॉर्मेटिव बनाई है इसने, रोस्ट विद इन्फो, इसलिए हम ज़्यादा हंस भी नहीं पाए पर उसने डायलॉग अच्छे बोले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय। Why don't you sing along, my friend? For it's our last.